इंच कमी है उसका पायदान नीचे थे, इतने नीचे हैं कि पैरों को बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगा जैसे सूट जाम है, जैसा लगता है पोलियो का शिकार का। और 45 था लास्ट में, 45 था कौन सा, 45 कौन सा मॉडल था जी, ये था 18 मॉडल, तो वही था क्लासिक सीरीज है ना, काली पट्टी वाला। तो वो और यो सेम एचपी में, वो 48 पॉइंट कुछ एचपी में होगा, ये 47 में। तो देखो बिल्कुल सही बताना, अब ये चला रहे हो, इससे पहले वो चला, तेल कौन से का था सर? राम राम भाइयों, भाइयों आज की वीडियो जो है महिंद्रा यूवो टैक प्लस के ऊपर है। अभी तक आपने मेरे चैनल पर जो है भूमिपुत्र सीरीज की ही वीडियो देखी थी। तो कुछ किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेते हुए डरते भी हैं कि भाई अभी नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, यूवो सीरीज मतलब बिल्कुल नई सीरीज है, नोवो देख रखी है, अल्ट्रा सीरीज देख रखी है और भूमिपुत्र सीरीज। तो हमारे क्षेत्र में भाइयों मैं मानता हूँ कुछ सेलेक्टेड ट्रैक्टर ही होंगे यूवो टैक वाले, और ये वाला बिल्कुल महिंद्रा का लेटेस्ट इंजन है जो आपको दूसरा भूमिपुत्र में मिलता है, उससे एक अपग्रेड वर्जन है। तो कैसा ट्रैक्टर का माइलेज है, कैसा फीचर्स है और कैसी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस है, सारी वीडियो में बात करने वाले हैं आज भाइयों। बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। और जिन किसान भाई का ट्रैक्टर है वो भाई एक ऐसी कंपनी से शिफ्ट हुए हैं इधर जिसके लोग मतलब कि ऐसा मानते हैं कि भाई काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर हैं। तो सबसे पहले तो एक बार मैं भैया का परिचय करवाता हूँ और फिर पूछते हैं कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है। राम राम भैया। भैया थोड़ा तेज बोलिए, सबसे पहले तो अपना नाम और पता बता दो। मेरा नाम राहुल कुमार, गाँव खानपुर बिल्लौर। अच्छा अच्छा, तो राहुल भाई कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है ये? 23 मॉडल। 23 मॉडल, तो अपने को भाई साहब उस टाइम किस कीमत में पड़ गया था जी? 7.5 लाख रुपए का। तो एक बात बताओ, जैसे कि अपने क्षेत्र में भूमिपुत्र ज्यादा लें है ना, और ऐसे मान लो अगर 100 ट्रैक्टर महिंद्रा के बिक रहे हैं तो उसमें से 90 भूमिपुत्र वाले रहे, तो आप इसकी तरफ कैसे शिफ्ट हो साहब? नहीं, इसमें भूमिपुत्र में हाई लो मीडियम नहीं है। अच्छा, हाँ लो हाई में आता है, बिल्कुल बेस मॉडल है। जो यंत्र हाई लो में नहीं खींच पाते हैं वो मीडियम में खींच देता है। अच्छा अच्छा, लो हाई मीडियम की भूमिपुत्र जो है ये पहले के लो में रोटावेटर खींचता है। अच्छा जी, ज्यादा ज्यादा दूसरे में, बस सही बात ये है। तीसरे के लो में, दूसरे के लो में और पहले के मीडियम में, पहले के तीन जगह रोटर चलता है, पहले के मीडियम में बढ़िया चला दे। कौन सा रोटावेटर यूज कर रहे हैं? शक्तिमान 7 फीट लोड ना मानता, जैसे यूं कह दें शक्तिमान को, क्योंकि साहब बड़ा जोर दे हुआ है ट्रैक्टर पे, बारीक मिट्टी भी तो करके चलता है ना, और रोटरों से वजन ज्यादा होने की वजह से लग के चला है। 16-19 की गरारी चलाते हैं। 16-19, तो एक बात बताओ, जैसे 575 है, देखो जी 47 HP ट्रैक्टर है ना, लोग ये कहें कि 50 HP से नीचे आप चलाते रहो 16-19 की गरारी 7 फुट रोटावेटर पे चलती नहीं, तो आप देखो बिल्कुल जेन्युइन बताना बात। गियर बक्से के ऊपर बात है ना इसकी, दूसरे के लो में स्पीड चाल कम है भूमिपुत्र के पहले के लो से। ठीक ठीक ठीक, और तीसरे के लो में भी भूमिपुत्र के दूसरे के लो से कम चाल है इसकी। अच्छा अच्छा, तो चाल की वजह से, गियर बक्से की वजह से मैनेज हो जाता है, लोड नहीं लेता। अच्छा एक बात और बताओ राहुल भाई, जब ये ट्रैक्टर लेने की विचार आया मन में, तो उस टाइम पर और कंपनी के ट्रैक्टर नहीं देखे 50 HP में? हाँ देखिए, ETI लेने की सोच रहे थे, फार्म ट्रैक का। अच्छा जी भैया, उसमें जो था ये वो नहीं था, हाई लो मीडियम। अच्छा, वो अब लॉन्च हुआ T20, उस टाइम नहीं था, उस टाइम पर नहीं। अच्छा, इस वजह से इसकी तरफ गए। अच्छा, फार्म ट्रैक के अलावा और कोई ट्रैक्टर लेने की नहीं सोची है महिंद्रा के? महिंद्रा 265 खड़ा हुआ है घर पर। अच्छा अच्छा, तो काम के लिए। अच्छा, छोटे काम के लिए। तो अब एक और बात बताओ, इससे पहले अपने पास कौन कौन से ट्रैक्टर थे भैया? पास चैंपियन 39 था, और जी 45 फार्म ट्रैक का हीरो। अच्छा, अच्छा जी, और ये आईसर भी था। अच्छा, मतलब आज तक फार्म ट्रैक ही चलाएं। तो फिर फार्म ट्रैक से महिंद्रा पर क्या रीजन बना शिफ्ट होने का, ऐसे क्या कमी लगी उसमें जो भाई इधर आ गए? तो ट्रैक्टर नीचे है, गन्ना भी ग्राउंड के लिए। देखो भाइयों, जो बात मैं बताता हूँ वो बात भाई बता रहे हैं, प्रैक्टिकल है इनका। और जैसा गन्ना हम पेडी वगैरह नोलक बिधा रहे हैं, इंटरवो चलाते हैं हम। अच्छा जी, तो गन्ना टूटता बहुत था ऊंचाई के कारण, जिस वजह से ये लेना पड़ा। और इंटरवो पे स्पीड चाहिए स्लो, वो थोड़े तेज चलते थे, इसमें हाई लो मीडियम की वजह इसकी चाल कम हो जाती है। अच्छा, और कोई कमी लगी हो? नहीं, और कुछ जैसे कुछ किसान यूं कहें कि सो तेल बड़ा ले फार्म ट्रैक? नहीं नहीं, ऐसा आपने जैसे पांच तेल तो जैसा लोड डालोगे वैसा ही तेल लेगा, ये भी उस हिसाब से तेल लेगा। अच्छा, अगर एक मोटा सा राहुल भाई आइडिया ले लूं इसका, और 45 था लास्ट में, 45 था कौन सा? 45 कौन सा मॉडल था जी? ये था 18 मॉडल, तो वही था क्लासिक सीरीज है ना, काली पट्टी वाला। तो वो और यो सेम एचपी में, वो 48 पॉइंट कुछ एचपी में होगा, ये 47 में। तो देखो बिल्कुल सही बताना, अब ये चला रहे हो, इससे पहले वो चला, तेल कौन से का था इसका? तेल इसका कम। अब वही तो मैं बात पूछ रहा हूँ। अच्छा, तेल कम है,
तेल में मतलब कितना अंतर और परफॉर्मेंस में क्या? परफॉर्मेंस वो जमीन निकालता था हमारी 5 बीघे पूरी 1 घंटे में। ठीक है साहब। और ये 1 घंटे में 6 बीघे जमीन निकालता है, तीसरे किलो में। और वो जमीन मतलब उस टाइम तेल कितना लेता था साहब? वो तेल लेता था 6-6.5 लीटर 5 बीघे में। हाँ 1 घंटे में। और ये साहब? ये 6 बीघे में 5.5 लीटर तेल ले लिया। तो वो बहुत अंतर आ रहा। बाकी देखो लोड के ऊपर बात है, जमीन लोड के लिए। अच्छा एक और बात बताओ, देखो भाइयों फार्म ट्रक वालों कुछ कहें कि भाई तू बुराई करे, भाई कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है वो किसान बताता है। अच्छा मेन चीज कमी है उसका पायदान, नीचे थे इतने नीचे हैं कि पैरों को बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगा है जैसे सूट जाम है, जैसा लगता है पोलियो का शिकार। ये एक भाई और बता रहे थे कि भाई मुझे तो अच्छा क्लच में समस्या नहीं लगी। नहीं बिल्कुल, उसके क्लच हार्ड नहीं था? हार्ड तो नहीं था इतना। अच्छा अच्छा, दिक्कत नहीं थी, बस पैर रखने की बहुत दिक्कत। अच्छा अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे महिंद्रा को ये कहते हैं कि साहब खाली में बहुत कम तेल है, तो खाली में कौन से का कम तेल है साहब? खाली में तो 265 से कम किसी का नहीं। अच्छा कितने किलोमीटर चला जा कभी अंदाजा लिया? 9-10 किलोमीटर। अच्छा यू साहब? ये कम चलता है, 7-8 चलता। अच्छा कोई कमी लगी भैया जी ट्रैक्टर में अभी तक कहे भाई ये चीज अगर महिंद्रा सुधार दे तो ट्रैक्टर और तगड़ा हो जा? अच्छा एक और बात बताओ, अपने क्षेत्र में भैया 4-व्हील ड्राइव क्यों नहीं लेते? आपने भी देखो 2-व्हील लिया, जबकि आजकल जमाना जो है 4-व्हील का है। 4-व्हील का इतने लंबे किसान तो है नहीं। अच्छा लंबे फार्म नहीं है जोतने के लिए। अच्छा साहब, इस वजह से नहीं सोचा। टीलर हैरो तो बहुत कम यूज होते हैं हमारे यहाँ पे, रोटर वेटर की ज्यादा। अच्छा मतलब टीलर को बहुत कम बाड़ते हो, क्योंकि टीलर पे देखो और हैरो पे 4-व्हील का काम है, लेकिन फिर तो बेकार। हाँ ये बात सही कह रहे हो। तो ऐसा क्या कारण है जो कल्टीवेटर हैरो से इतना मन फिक्का सा? नहीं फिक्का सा तो नहीं है, अभी वो 8-8 की हैरो रखी हुई है वहाँ पे। तो फिर मतलब खेत बढ़िया नहीं तैयार होते क्या रीजन? हमारे यहाँ असल में मोटी जमीन नहीं बनी, नहीं है मोटी जमीन नहीं है, जैसा गाँव के बाहर है तो डले उखड़ जाती है टीलर से नीचे। अच्छा फिर वो बड़ी दिक्कत आती होगी, जब तक वाहन तैयार ना हो बढ़िया जब तक काम नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसा 47 HP है ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार 585 लेना चाहिए था भैया? नहीं नहीं, बिल्कुल कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा इसमें जैसे मेहड़ा मार रहे हो इस टाइम पे, अगर मोटा सा आइडिया ले लूं कितना तेल ले रहा होगा ट्रैक्टर? तो कितना? 2-2.5 लीटर लेके चले यार कम से कम। कितने RPM पे? 1100 RPM पे, दूसरे के हाई में 1100 RPM पे। वो तो देख के लग ही रहा था। तो एक बार भाई साहब आवाज और सुनवा दो ट्रैक्टर की, देखो भाइयों पिछले साल का मॉडल है ट्रैक्टर, फार्म ट्रैक से महिंद्रा पे शिफ्ट हुए हैं। ये देखो भाई जिसे कह देना वो महिंद्रा ऐसा लगे जैसे हेलीकॉप्टर से उड़ा रहा, तो भाई बिल्कुल वाकई में हेलीकॉप्टर से उड़ा रहा। किसान का फीडबैक देखा, ये देखो भाई लाजवाब है। अगर किसी भाई को देखना हो तो भाई ज़रूर जाके एजेंसी पर देखें, और भाई अगर वीडियो बढ़िया लगी और जो भाई ने बात बताई है वो बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।